हाय फ्रेंड्स, चलिए आज सभी वीडियो का स्क्वायर जितना भी था, पिछला वीडियो जितना भी बनाए थे, आज सभी वीडियो का एक ही वीडियो में सारा स्क्वायर ट्रिक्स दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 59 का स्क्वायर करना है। बिल्कुल अब आसान से तरीके से इस 9 और इस 5 का स्क्वायर को यहाँ लिखते हैं और ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और 5 का स्क्वायर 25। अब ये बीच में जो खाली जगह बच गया, ये जो बीच में खाली जगह बचा, इस जगह में इसको भरना। ये यहाँ पर अभी दिख रहा है 3 डिजिट, 5, 9 और स्क्वायर जो है वो 2 दिख रहा है। सभी को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 यानी कि 5 नंबर 45, 45 दूना 90, तो यहाँ लिख देते हैं बीच में 90। ये अब यहाँ लिखेंगे इसमें, तो ये क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर 1 का 1 होगा, यानी कि नीचे आ जाएगा 1। और ये जो 8 है, इस 8 को इस 0 के साथ ऐड करना है और ये जो 9 है, इस 9 को इस 5 के साथ ऐड करना है और इसको लिख देना है। तो यहाँ से आ जाएगा 8 और 0, 8 होगा, ये 8 होगा और ये 9 और 5 14, यहाँ 14 का 4 कैरी 1 और ये 2 का 2 बट कैरी जो है वो एड होके 3। तो ये आपका आंसर होके निकल जाता है 3481। बिल्कुल आसान से, मतलब इसमें सिंपल सा दो ट्रिक अपनाना है। पहला ट्रिक में इस दोनों डिजिट का, जिस डिजिट का स्क्वायर निकालना है, यहाँ से नंबर है 59, इस 59 नंबर का यहाँ स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ इसमें जो 5 और 9 है डिजिट, इसका स्क्वायर लिखना है 5 और 9 का स्क्वायर। और बीच में यहाँ पर ये जो 3 डिजिट दिख रहा है, इस तीनों डिजिट का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे और फिर यहाँ से ये 1 का 1 रहेगा और ये 8 का यहाँ पर 8 0 के साथ ऐड कर देंगे, 9 को 5 के साथ ऐड करके, और इस 2 को यहाँ बैठा देंगे 2, और एक कैरी जो था वो 3 यहाँ बैठा है, तो ये आ जाता है 3481। तो ये 59 का कंप्लीट स्क्वायर निकल गया। इसी को आसान तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल इसी को। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 81 और यहाँ पर एक डिजिट को छोड़कर, यहाँ पर एक डिजिट को छोड़कर ये जो था 5, 9 और 2, ये तीनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। ये तीनों का प्रोडक्ट था 5 9 45 और 45 दूना 90। तो यहाँ पर लिख देंगे, एक डिजिट छोड़कर लिख देंगे 90 और इसको ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 8 और 0 8, 9 और 5 14 का 4 और ये 2 का एक कैरी जो था वो 3 हो जाएगा, ये 2 और 1 3। तो ये फाइनली आंसर आ जाता है आपका 1481। इस तरह से किसी भी डिजिट का, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। और कोई दूसरा संख्या लेकर देखते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं 99 का स्क्वायर। तो सिंपल सा दो स्टेप लागू करना है, फॉलो करना है और आंसर पाना है। यहाँ से देख सकते हैं 9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे 81, यहाँ आ जाएगा 81। और अब यहाँ से ये दोनों तीनों डिजिट का प्रोडक्ट लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, गुना करके, यहाँ से आ जाएगा 9 81 और 81 गुना करेंगे तो 162। तो यहाँ से लिख देंगे 162। ये एक ध्यान देना है कि ये पहला डिजिट को छोड़कर लिखना है, तो यहाँ से आ जाएगा, इस डिजिट को छोड़ कर लिखेंगे 162, 1 यहाँ, 6 यहाँ, 2 यहाँ, इसको ऐड कर देंगे। 1 का 1 8 और 2 यानी कि 10 10 का 0 कैरी 1 1। अब यहाँ से ये 6 और 1 7 और कैरी 1 8 और ये 8 और 1 को ऐड कर देंगे 9। तो फाइनली ये आपका हो गया आंसर 1998001 यानी कि 9801, ये आपका आंसर हो गया। एक और डिजिट लेकर देखते हैं, कोई भी डिजिट ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कोई डिजिट 72 ले लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ 72 का स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा दो स्टेप में केवल आंसर। यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर 04 और यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पर जो लिखते हैं लास्ट, इस लास्ट डिजिट का स्क्वायर, यहाँ पर दो डिजिट लिखना है,
जिस तरह से यहाँ 2 है तो यहाँ 4 नहीं लिखेंगे बल्कि 0 4 2 डिजिट लिखेंगे। और अब यहाँ से इस 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो इस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ये जो है तीनों डिजिट इसका प्रोडक्ट यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, ये यहाँ पर लिख देना है 28, वह भी कैसे, एक यहाँ लास्ट डिजिट को छोड़कर। तो ये यहाँ हो जाएगा 28 28, तो आ जाएगा ऐड कर देंगे तो 4 0 और 8 8 9 और 2 11 का 1 कैरी 1 5 4 1 कैरी 1 था 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर 5184। इस तरह से किसी भी 1 से 100 तक किसी भी संख्या का कंप्लीट स्क्वायर निकाल सकते हैं एक मास्टर मेथड से।